लड़की का ये चौथा नौकरी है। ये लड़की जब क्लास करती थी कि टाइम पे इसमें बड़ा अच्छा वो गाना था, मेरी राखी का रखना ख्याल भैया, यही गई थी ना। सातवां नौकरी है इनका। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। इधर आओ, तुम्हारा तीन को मिठाई लेंगे। इधर तीसरा नौकरी है तुम्हारा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ। उसका तीसरा नौकरी है, मिठाई लाइए एक को। चौथा नौकरी है उसका है, देखो इसको, इसकी चौथी नौकरी है, एक को मिठाई लाइए। अच्छा इसका इसका चौथा नौकरी है तो चार लाइन का मिठाई लाइए। अरे कुछ हो कुछ हो कुछ हो कुछ हो। ये सचिवालय, इस लड़की का ये चौथा नौकरी है। ए तुम अभी भी वैसे ही झगड़ा करती रहती है। ये लड़की जब क्लास करती थी, देखिए सुनो बता रहे, जब ये क्लास करती थी, अरे बुराई नहीं अच्छा ही करी सर, बुराई नहीं कीजिएगा। अच्छा आप तो मम्मी से मिली है, आप लोग जब रक्षाबंधन मनाई थी तो मम्मी आई हुई थी। जब ये लोग थी इनके समय रक्षाबंधन जब था तो मम्मी आई हुई थी। मम्मी के टाइम पे इसमें बड़ा अच्छा वो गाना था, मेरी राखी का रखना ख्याल भैया, यही गई थी ना। हाँ देखो हमको याद है कि नहीं, हमको सब याद है। इतना भीड़ रहता है फिर भी इतना छोटा छोटा बात आपको याद सर, थोड़ा को लेकर बात करेंगे। पूरे बिहार के छात्र अपील कर रहे थे कि खान सर का दरोगा बैच कब आएगा, खान सर नया बैच दरोगा का कब लाएंगे, क्या कुछ बोलिएगा सर दरोगा बैच? इनका है, हम कहें कि इनका सचिवालय सहायक में हुआ था। नहीं 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 सर, सचिवालय सहायक पदाधिकारी, समझा कि नहीं क्या? आपने बैच के बाद बहुत सारे मिलेंगे, पूरा सचिवालय में कब्जा हो गया। पहला नौकरी क्या था तुम्हारा? टीचर में था पहला। दूसरा? दूसरा क्लर्क में हुआ था, बिहार एसएससी के, बिहार एसएससी में क्लर्क में हुआ था। तीसरा? तीसरा बीपीएससी टीचर में, हाई स्कूल में हुआ। अच्छा था और ये चौथा था। जब ये क्लास करने आती थी ना तो क्लास से 10 मिनट पहले भाग जाएगी और हमेशा बदमाशी करते रहती थी आप। और अभी देखो, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से समझो, चार जॉब हुआ ना तो मिठाई में चार लाइन लगाई है। एक हो गया किस चीज का? ये अच्छा, ये किस जॉब के लिए? चार जॉब के लिए। यहाँ पे चलो, यहाँ पे हाँ सब, हाँ बिहार दरोगा का बैच है इन लोग का। अच्छा बर भी अगर खान सर से पीछे पढ़ रहे थे तो आज हम मेरिट तक जाते, बहुत सारे छात्र कोई मेरिट नहीं बन पाया सर। थोड़ा और मेहनत करेंगे जरूर बन जाएगा। आप ऑनलाइन क्लास वाला चौथा नौकरी आपका भी ना, सातवां नौकरी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, वहां से वहां से वहां से। ये देखो सातवां नौकरी है इनका, सातवां जॉब है, सेवन सातवां जॉब निकाल के आया सोचिए, इसका चौथा, इसका सातवां। इन लोग की अपनी मेहनत होती है, हम लोग का तो काम होता है पढ़ाना यहाँ पर, ठीक है। तो आप सब लोग पढ़ाई करिए मन लगा के, ठीक है। हाँ सबसे पहले मैं खान सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से आज ये प्लेटफॉर्म पे मैं बोल पा रही हूँ। और जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी उस समय मैं, मुझे लगता था, मैं सर को देखी, मतलब मुझे लगा कि नहीं मेरा रिजल्ट हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंट आ गया था। सर का नाम ही काफी है। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं स्टार्टिंग में जब यहाँ आती थी तो गर्ल्स लोग मुझे बैठने नहीं देती थी, अपने ही जगह में बैठ और मैं खड़ी रहती थी। इन लोग का अपना ग्रुप था, लेकिन ऐसे नहीं कीजिए, सब लोग को एक साथ हाथ पकड़ के आगे लेके जाना है, सबको नौकरी लेना है कि आप। और गर्ल्स, हम चाहते हैं कि आप लोग के अंदर यूनिटी हो, हमारे अंदर बहुत पावर है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ये बोलना चाहेंगे कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चार नौकरी क्या आप 50,000 नौकरी ले सकते हैं? बस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट और विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। कमी आपके हार्डवर्क में कमी होती है, आपके विश्वास में कमी आ गई तो वही आपका रिजल्ट रुकता है। कमी आपकी तैयारी में होती है, उसको निखारिए। आप जब भी देखेंगे तो आपके हमेशा जब भी एक मार्क्स से अगर आपका कमी होता है, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा था सर से कि सर कुछ मार्क्स से रिजल्ट कम हो जाता है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि क्यों कम होता है, क्यों कम हो रहा है रिजल्ट, कहाँ कमी है। किसी बच्चे को पता होता है कि मेरा जीएस कमजोर है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अगर मेरा मैथ्स है कमजोर तो और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और एक चीज हमेशा रखेंगे कि नौकरी होगा। नौकरी में क्या, जिंदगी में कुछ भी पाना चाहे वो मिलता ही है। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश
ना ऐसे ही दूसरी लड़की सबको समझाते रहती थी आप। और वैसे एकदम अब ना हमको नहीं लगता है कि इसको इतना डांटे थे। और उसके बाद हमको कह रही है आज इसको आना था तो कह रही कि सर हम आप ही के यहाँ पढ़े थे और हम पुराने स्टूडेंट हैं, हम कितने बजे आए आप पहचान रहे हैं। आज जब हम इसको बताना चालू किए, अच्छा जब ये पढ़ती थी ना तो हम उठी चार पांच को पहन लेते, हम कहते तुम पढ़ोगी तभी रिजल्ट हो गया यहाँ पे। तो सच में याद है अपनी मेहनत से कितना बन गया, चार चार तो नौकरी ले गया। सर के आशीर्वाद से आज यहाँ आए हैं, थैंक यू सो मच सर। अभी और लेके आना है मिठाई, समझ आ गया कि नहीं? बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। भगवान आपको लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य। हम सर को हमेशा राखी बांधे हैं, तो बहन का दुआ सर के साथ है कि वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे। हमेशा सर की सर के साथ हमारी शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पूछ रहे ये 2019 वाले रक्षाबंधन में थी ना, 19 वाले रक्षाबंधन में मम्मी भी आई थी, तो मम्मी कहती है वो जो दुबली पतली लड़की थी बहुत बोल रही थी। तो इस बार रक्षाबंधन में ना लास्ट पे मम्मी का आना कैंसिल हुआ, तो कह रही थी कि वो राखी में सब लोग, तो हो सके तो अगली बार वाले रक्षाबंधन में आई यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं? तो जरूर आना, ठीक है। चलिए और सब लोग एकदम गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़िए और आगे आगे, ठीक है। चलिए ठीक है, खुश ठीक है। वो बेवकूफ करी ऐसा मुंह कौन बनाता है? और कहाँ गया सात नौकरी वाला? हाँ सातवां नौकरी कहाँ गया? अरे बाबू इधर आओ, इनका सातवां नौकरी है सेवन। हाँ चलिए ठीक है, खुश ठीक है बाबू, अच्छा सर ठीक है।